हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइव लिमिट। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन एंड कल्चरल चेंज के बारे में। और ये पर्टिकुलर टॉपिक है एमएड के सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में, एमडीयू के सेकंड सेमेस्टर में है ये सब्जेक्ट। और ये थर्ड यूनिट का टॉपिक है, बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल एक बार सुनते ही आपको याद हो जाएगा। तो एजुकेशन के बारे में भी हमें पता है, कल्चर के बारे में पता है हमें कल्चर क्या होता है, और हमें बताना कि दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, एक दूसरे को बदलने में किस तरह से हेल्प करते हैं या किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सिंपली देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कल्चर के बारे में, कल्चर क्या है उसके बारे में एजुकेशन, और फिर ये वो पढ़ेंगे कि एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सिंपली जो कल्चर की डेफिनेशन है वो आई है जो, या जो वर्ड है लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है टू टेंड और टू कल्टीवेट। कल्टीवेशन यहाँ पे किस चीज़ का हो रहा है? कल्टीवेशन यहाँ पे सब चीज़ का हो रहा है, मतलब हमारे बिलीफ, हमारी नॉलेज, हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी डे टू डे लाइफ है, हमारी हैबिट्स है, सब कुछ, सब चीज़ का कल्टीवेशन हो रहा है, ठीक है। और कल्चर में सभी चीज़ें आती हैं जो कि हम डेली लाइफ में करते हैं। और इसीलिए जो कल्चर की डेफिनेशन है या इसको जो समझा जाता है वो अलग तरह से, मतलब अलग लोगों के द्वारा अलग तरह से समझा जाता है, राइट। तो कुछ मानते हैं कि कल्चर क्या है, यूनिवर्सल एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ। कुछ कहते हैं कि ये क्या है, वी ऑफ टॉकिंग, यहाँ पे है कोमा यार, टॉकिंग लिविंग एंड बिहेविंग, कि किस तरह से हम बात करते हैं, किस तरह से हम रहते हैं, किस तरह से हम अपने बिहेवियर्स करते हैं, वो है कल्चर। कुछ लोग कहते हैं कि किसी लैंग्वेज पे मास्टरी होना कल्चर की निशानी है, मतलब जिसको जितनी लैंग्वेज आती है, जितनी भाषा आती है, वो उतना ज़्यादा कल्चर्ड है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि डिफरेंट पीपल के लिए जो मीनिंग है कल्चर का वो डिफरेंट है, राइट। तो कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं कि टेलर ने क्या कहा था। टेलर ने कहा था कि कल्चर इज द कॉम्प्लेक्स होल, कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? विच इंक्लूड्स नॉलेज है, बिलीफ है, आर्ट है, मोरल है, लॉज हैं, कस्टम्स हैं, एंड अदर कैपेसिटीज हैं एंड हैबिट्स हैं, जो कि एक इंसान के द्वारा एक्वायर की जाती हैं जब वो किसी सोसाइटी का मेंबर होता है। मतलब हम एक सोशल एनिमल है ना, और हम डे टू डे लाइफ में ये सभी चीज़ें एक्वायर करते रहते हैं, ठीक है। तो टेलर ने कल्चर को कहा कॉम्प्लेक्स होल। और कल्चर सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कल्चर को हम एज ए वे ऑफ लाइफ, कि हम किस तरह से जीते हैं। चलो, कल्चर को माना गया है कि एक पानी की तरह है मछली के लिए। जिस तरह से मछली पानी को नहीं देख पाती, उसी तरह से हम उसमें रहते तो हैं, लेकिन वी आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व इट ऑन द डेली बेसिस, हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। तो ये भी कल्चर है, मतलब कल्चर को डिफाइन किया गया है मछली के तौर पे, कि हम कल्चर में रह रहे हैं या कल्चर से घिरे हुए हैं, कल्चर हमारे चारों तरफ है, लेकिन वी आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व, इसीलिए इस टर्म का यूज किया गया है, राइट। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कल्चर की? कल्चर एक्वायर्ड है, सीखा जाता है, कल्चर नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से हमें आ जाता है अपने आप, है ना। डिस्टिंक्ट एंटिटी है, मतलब कोई किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से बोलता है, किस तरह से बात करता है ना, उनसे हमें पता चल जाएगा कि उसका कल्चर क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो डिस्टिंक्ट एंटिटी है, कैन बी ऑब्जर्व, हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को जो भी कल्चर में इंक्लूड होती हैं, जैसे लैंग्वेज, बिहेवियर, मोरल, कस्टम, है ना, सब कुछ। कल्चर डायनेमिक है, नीड के अकॉर्डिंग बदलता है। सिंपल सा एग्जाम्पल ये है कि जब कोरोना आया था तो ग्रीटिंग करना या नमस्ते करना एक तरह से कल्चर है, लेकिन टाइम की नीड ऐसी थी कि लोगों ने हाथ मिलाना छोड़ के नमस्ते को एडप्ट कर लिया। तो कल्चर क्या है? डायनेमिक है, टाइम के अकॉर्डिंग बदलता है। कल्चर नेसेसरी है, ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम सोशल एनिमल हैं, और सोसाइटी में रहने के लिए हमें ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए ताकि हम एक ग्रुप का पार्ट बन सकें, राइट। एक्विजिशन ऑफ कल्चर क्या है? एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, मतलब हमारा जन्म होता है ना, और जन्म के साथ ही हम कल्चर सीखने लगते हैं या इसका एक्विजिशन
होने लगता है फ्रॉम बर्थ टू डेथ। इसमें मतलब ये छोटी छोटी छोटे छोटे वर्ड्स हैं लेकिन इनमें बातें बहुत कुछ छुपी हुई हैं। तो जिस तरह से जितने मार्क्स में ये क्वेश्चन आए उसको अटेम्प्ट कर देना। चलो देन आते हैं शिक्षा के बारे में, शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। तो एजुकेशन का जो मीनिंग है वो हम जो भी तीन इसके रूट वर्ड्स हैं है ना उससे समझ सकते हैं। क्या क्या है? एजुकेटम, एजुकेटम, एजुकेटम का मतलब होता है टू ट्रेन या आर्ट ऑफ टीचिंग। एडुकेयर का मतलब है टू ड्रॉ आउट इनर पावर, जो भी हमारे अंदर कैपेबिलिटीज हैं उनको बाहर निकालना। एडुकेयर का मतलब है टू ब्रिंग अप और टू डेवलप, राइट। तो इन तीनों वर्ड से, इन तीनों वर्ड के मीनिंग से हम समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि एजुकेशन कैन बी अंडरस्टैंड एज ड्रॉइंग आउट द इननेट कैपेसिटी, जो भी हमें पैदाइश से जन्मजात या इननेट कैपेबिलिटीज हैं, कैपेसिटीज हैं, उनको शिक्षा बाहर निकालने में, ड्रॉइंग आउट करने में मदद करती है और एक इंडिविजुअल को हेल्प करती है उसकी पर्सनैलिटी को अच्छे से वो ग्रो कर पाए, वो डेवलप कर पाए थ्रू प्रॉपर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, राइट। अपने शब्दों में जैसे भी डिफाइन कर देना इसको, लेकिन ये तीन वर्ड जरूर लिख देना। देन एजुकेशन की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। एजुकेशन क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ टू डेथ होता रहता है। एजुकेशन जरूरी है ताकि हम कल्चर की चीज़ें इनकलकेट कर सकें, सीख सकें, है ना। एजुकेशन जरूरी है ताकि इंडिविजुअल हॉलिस्टिकली डेवलप हो, मतलब उसका सर्वांगीण विकास हो, उसका माइंड अच्छा हो, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, उसका उसकी सोशल स्किल्स अच्छी हो और उसकी इकोनॉमिक भी एनहेंस हो, है ना, उसकी इकोनॉमिक भी एनहेंस हो, फाइनेंशियल तौर पे भी वो ग्रो कर पाए या डेवलप कर पाए। एजुकेशन क्या है? ड्रॉइंग आउट नेट कैपेसिटी, जो भी उसकी कैपेसिटी है, क्षमता है, जन्मजात जो क्षमता उसको बाहर निकालती है शिक्षा। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये किसने कहा था? जॉन डीव ने कहा था। एजुकेशन हमें एडजस्ट करना भी सिखाता है एज पर एनवायरमेंट, जो जितना ज़्यादा एडजस्ट कर पाता है उसको उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट समझा जाता है। ये इंटेलिजेंस की एक डेफिनेशन है, ठीक है। तो शिक्षा ये सब करती है लेकिन इससे ज़्यादा और भी बहुत सारी चीज़ें करती हैं। तो आपके दिमाग में जो भी आए ना वो पॉइंट भी इसमें ऐड ऑन कर लेना। चलो देन आते हैं फंक्शंस ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स कल्चर, या शिक्षा कल्चर को कैसे इन्फ्लुएंस करती, चेंज करती, कल्चरल एनरिचमेंट करती है, है ना। किताबों के जरिए, कल्चरल एक्टिविटीज के जरिए स्कूल्स में कल्चरल एनरिचमेंट होता रहता है, हम दूसरे के भी कल्चर सीखते रहते हैं। कोई भी कल्चरल कन्फ्लिक्ट है उसके लिए हमें दूसरे का पर्सपेक्टिव, दूसरे के व्यूज, दूसरे के कल्चर को समझने में मदद करती है। और जो भी कन्फ्लिक्ट्स होने होते हैं वो नहीं होते हैं, है ना। शिक्षा के जरिए हमें पता है कि जो भी ट्राइबल एरियाज में होते हैं वो कपड़े नहीं पहनते, इट्स कॉमन। लेकिन अगर हम शिक्षित नहीं होते, हम पहली बार उस एरिया में जाते तो हमें लगता कि यह है ना, ये कैसे रह रहे। लेकिन हम चौंकते नहीं, हम सरप्राइज नहीं होते हैं, क्योंकि शिक्षा के जरिए हमने वो चीज़ें समझ ली हैं, पढ़ ली हैं, और इससे जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, कल्चरल कन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो नहीं होते। फिर कल्चरल रिफॉर्म्स लाने में सहायता करता, जो भी स्टीरियोटाइप है, रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं उनको दूर करने में एजुकेशन मदद करता है। कल्चरल लैक्स, कल्चरल लैक क्या होता है कि मटेरियल तौर पे हम बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हैं, है ना। जैसे कि कंप्यूटर आया था तो लोगों ने कहा कि ये दूसरों की जॉब छीन लेगा, है ना। तो यहाँ पे तो क्या है, मटेरियलिस्टिक तौर पे तो हम ग्रो कर रहे हैं लेकिन जो हमारे कल्चर हैं, बिलीफ हैं, जो भी हमारी धारणाएं हैं वो अभी भी रेट्रोग्रेसिव, मतलब वो पिछड़ी है, है ना। तो कल्चरल लैग को रिमूव करता है शिक्षा, हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है कि भाई कंप्यूटर आने से ऐसा नहीं होगा, हमारा काम ईजी हो जाएगा। क्योंकि जब कंप्यूटर आए थे तो लोगों के माइंड में यही था, और अब कंप्यूटर ने सब कुछ इतनी हेल्प हो गई कि ये जो कंटेंट है सब कुछ कंप्यूटर की मदद से ही बना है ना, इंटरनेट की मदद से बना है, टेक्नोलॉजी की मदद से बना है। तो वो शिक्षा ही दूर करता है उसको, धीरे धीरे इंक्लूड करके। मल्टीकल्चरल अवेयरनेस लाता है, दूसरे के कल्चर को स्टडी करने में हमें मदद करता है। और इंडिया तो वैसे भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, तो हम अपने आप ही मल्टीकल्चरल अवेयरनेस हमें बहुत ज़्यादा है ना। एजुकेशन और क्या करता है? प्रिजर्वेशन का काम करता है और ट्रांसमिशन का काम करता है कल्चर के।
ये मोल्ड है यार, ये है माउल्ट है ना, तो इसको देख लेना। एजुकेशन माउल्ट करता है पर्सन को नेशनल एंड लोकल कल्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं जो कल्चर करता है। अब कल्चर शिक्षा को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, पहले हमने पढ़ा कि एजुकेशन कैसे कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है, पढ़ते हैं कल्चर एजुकेशन को कैसे करता है। तो जो भी एजुकेशनल एम्स हैं वो कल्चर की मदद से ही बनते हैं, है ना। जो भी सोसाइटी में चीज़ें हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग एजुकेशन के करिकुलम के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं, क्योंकि जब बच्चा पढ़ लिख के बाहर निकलेगा तो एक सोसाइटी का पार्ट होगा और उसको वो सभी चीज़ें आनी चाहिए ताकि वो पर्टिकुलर सोसाइटी में जगह बना सके, राइट। जो भी करिकुलम है वो सोसाइटी के बेस पे ही है, तो कल्चर इस वे में भी मदद करता है या डायरेक्शन प्रोवाइड करता है शिक्षा को। टीचिंग भी कैसे होती है, कल्चर के अकॉर्डिंग ही होती है, और इसमें हम समझते हैं कल्चरल रिस्पॉन्सिव टीचिंग के बारे में। तो कल्चरल रिस्पॉन्सिव टीचिंग होती है कि जहाँ पे आप पढ़ा रहे हो उन बच्चों के कल्चर को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पढ़ाओगे तो वही एग्जाम्पल्स दोगे, वही चीज़ें यूज करोगे जिससे बच्चा अपने स्कूल को, अपने क्लासरूम को, अपने घर से रिलेट कर पाए और उसे लगे कि उसका जो स्कूल है वो घर का ही एक एक्सटेंशन है, ठीक है। आजकल कल्चरल रिस्पॉन्सिव टीचिंग में बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है कि क्यों यूज करना चाहिए, तो वो इसीलिए यूज करना चाहिए ताकि एक कॉन्क्रेंस हो सके, समानता हो सके, बच्चा अपने घर जैसा ही समझे स्कूल को, राइट। जैसा कि हम कई जगह जाते हैं तो हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस की पिक्चर्स दिखती हैं, राइट। वहाँ पे अगर बचपन से ही हम अमेरिकन पिक्चर देखते किसी की, फ्रीडम फाइटर की, तो वो हमारे कल्चर से रिलेट नहीं करता। या हम कह सकते हैं कि हम कुछ साल एजुकेशन के, कुछ साल महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या शहीद भगत सिंह जी की फ़ोटो देखते और बाद में किसी और की देखने लगते तो हम रिलेट नहीं कर पाते, है ना, अपने कल्चर से उसको लिंक नहीं कर पाते। तो इसीलिए कल्चर के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें होती हैं, टीचिंग भी इसी के अकॉर्डिंग होती है, डिसिप्लिन क्या है स्कूल्स में वो भी इसी के अकॉर्डिंग होता है। इसमें क्या है कि पर्टिकुलर स्कूल, मतलब पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर स्कूल है तो डिसिप्लिन उसी के अकॉर्डिंग होगा, और अगर एक स्कूल है कहीं और वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है तो जो स्कूल का डिसिप्लिन होगा वो भी उसी के अकॉर्डिंग होगा, राइट। देन है टीचर बिहेवियर, इफेक्ट ऑफ टीचर बिहेवियर। तो टीचर भी क्या है, कल्चर से ही बिलोंग करता है, और इस वे में जो टीचर है बच्चों को माउल्ड करने में कल्चर के अकॉर्डिंग मदद कर सकता है, ठीक है। मतलब वो शिक्षा में वो चीज़ें इंक्लूड करेगा, राइट। तो इस वे में क्या है, कल्चर भी शिक्षा को इन्फ्लुएंस करता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको कुछ याद आते हैं तो लिख देना। बाकी इस टॉपिक से, इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको आइडिया हो गया होगा कि इसमें लिखना क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।